जी नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी लखनऊ। आई थिंक कि मेरी आवाज़ अब आ रही होगी। अब आवाज़ सही आ रही है मेरी। जी सर, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा दैनिक जागरण को। ये टीम इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म ये डेवलप हुआ है जहाँ के अलग अलग टॉपिक पे हम लोग अलग अलग अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं या जो भी अवेयर करना चाह रहे हैं लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू दैनिक जागरण टीम। अब हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये फिजिकल अर्गोनॉमिक्स जो हम लॉकडाउन के बाद जो हमारे घर पे जनरली एक्टिविटी घर से हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इसके दौरान किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और कैसे अपने इफिशियंसी को और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि ऑफिस चेयर पे कैसे एक्सरसाइज करें और यदि लॉन्ग सिटिंग हम ले रहे हैं तो लॉन्ग सिटिंग लेने की वजह से किस तरह के चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने माइंड नहीं किया, जो अभी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। जैसे आप देखेंगे कि लॉन्ग सिटिंग लेने के बाद जनरली लोगों की ये थिंकिंग है कि ज़्यादा देर मैं बैठ के काम करता हूँ ऑफिस में या घर में तो हमारे नेक पे स्ट्रेन आ रहा है, हमारे शोल्डर पे स्ट्रेन आ रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यदि हम झुक रहे हैं तो हमारे कमर पे जो स्ट्रेन आ रहा है वो तो आ ही रहा है, क्या हमारा पेट नहीं दब रहा है? जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, हमारा स्टमक है, इन पे भी कंप्रेशन आ रहा है क्या? इस कंप्रेशन को कैसे हम रिलीज करें? इसकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम करें जिससे कि इससे हम कम कर लें अपनी प्रॉब्लम को। देखिए, एक चीज़ हम बात करें अर्गोनॉमिक्स की, यदि मैं बात करूं तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है और आई होप कि हम सब लोग इससे अवेयर हैं। बस जो मैं बताना चाह रहा था बस ये, इसको एक लॉजिकली मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कैसे, बिकॉज खराब क्या है ये हम सबको पता है, बट कई मुद्दों पे हम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये रियल में अच्छा क्या है। तो इस टॉक में हम लोग एक तो गुड पोस्चर के विषय में बात करेंगे, ऑफिस चेयर एक्सरसाइजेस के विषय में बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक्टिविटी अच्छी प्लान करें जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से बच सकें। और इसके साथ यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप इस पे डालिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको कवर करने के लिए। तो ये आर्गोनॉमिक्स है क्या? आर्गोनॉमिक्स एक बहुत ही वाइड एरिया है जिसको हम लोग मतलब बात करें तो जो भी हम काम कर रहे हैं या तो ऑर्गेनाइजेशन में या घरेलू लेवल पे या जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, इसमें हमारे बॉडी पे कितना वेट आ रहा है, हमारे मसल्स पे कितना वेट आ रहा है, कैसे हम इसको परफॉर्म करें, ये सब चीज़ें हमारे आर्गोनॉमिक्स में आती है। बट आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल आर्गोनॉमिक्स के विषय में, बिकॉज फिजिकल आर्गोनॉमिक, कॉग्निटिव आर्गोनॉमिक्स एंड इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल आर्गोनॉमिक्स बहुत वाइडर एरिया है। तो आज हम लोग फिजिकल आर्गोनॉमिक्स के विषय में बात करेंगे। यदि फिजिकल आर्गोनॉमिक्स की बात करें तो फिजिकल आर्गोनॉमिक्स में तीन चीज़ें मेन हैं। एक तो मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम हो गई, दूसरी चीज़ हमारी विजन हो गई और तीसरी हमारी हियरिंग हो गई। अब मस्कुलोस्केलेटन में दो नई चीज़ और जुड़ के आई हैं कि हमारा विसरल ऑर्गन, जैसे आप देखे होंगे ना लॉन्ग सिटिंग जॉब प्रोफाइल की वजह से गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होना, इवन देन लेफ्ट साइड हेडेक की प्रॉब्लम डेवलप हो जाना, नेक पेन के साथ साथ आप देखेंगे कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ आई है जो हेडक की आई है। हेडक में जनरली हम लोगों को ये लगता है कि ये हेडक हो रहा है ये सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस की वजह से है, जबकि आप देखेंगे हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन से स्पाइनल कार्ड तक की यदि मैं बात करूं तो एक ये स्ट्रक्चर है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। यदि किसी भी एंगल पे ओवर स्ट्रेन पड़ता है और यदि ड्यूरा पे खिंचाव आता है जो स्पाइन के, तो डेफिनेटली हमारे ब्रेन के अंदर भी स्ट्रेस आता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर पे भी फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस अधेशन या हैजनेस की फीलिंग हमारे सर में हमेशा बनी रहती है। इन सब चीज़ों को हम लोग मिनिमाइज करेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। तो आर्गोनॉमिक्स में, फिजिकल आर्गोनॉमिक्स में भी आज हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे दो चीज़ों पे, बिकॉज यदि मैं बात करूँ तो लॉकडाउन अचानक हुआ और लॉकडाउन होने के बाद जो व्यक्ति ऑफिस में 8-8, 10-10 घंटे हम काम कर रहे थे वो अचानक से घर पे, सोफे पे, बेड पे और नॉर्मल चेयर पे बैठ के हमने काम करना शुरू कर दिया। और आज भी यदि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम लोग फिजिकल आर्गोनॉमिक्स के चीज़
को पालन नहीं कर पा रहे हैं और वो कर भी नहीं पाएंगे, बिकॉज जो हमारा ऑफिस का डिज़ाइन होता है वो ऑफिशियल हिसाब से होता है। और यदि मैं घर की बात करूं तो घर का आर्किटेक्चर घर की तरह रिलैक्सेशन की तरह है, कि यदि मैं 8 से 10 घंटे ऑफिस में काम करके आऊं और घर में जाऊं तो घर में मैं आराम से रिलैक्स कर पाऊं, न कि मैं काम कर पाऊं। तो इस हिसाब से ये हमारा आर्किटेक्ट बना हुआ है। यदि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हम लोग बाहर निकलें और ये बात करें कि अब हम काम कर रहे हैं तो किन किन पोस्चर में कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर सिटिंग में काम कर रहे हैं या लेट के काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत एक्यूरेसी तो आपको नहीं दूंगा कि आप घर में कैसे क्या करें, बिकॉज घर में हर आदमी के घर में मैं बोला ना कि हर चीज अवेलेबल है। यदि हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं उसके हिसाब से हम घर पे बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक मैं नहीं बता पाऊंगा, जैसे कि किसी के पिलो की साइज पतली है, किसी के पिलो की साइज मोटी है, किसी का सोफा बहुत नीचे है, किसी का सोफा बहुत ऊंचा है, लेकिन एक हम लोग जो बोलते हैं ना, एक स्टैंडर्डाइज हम लोग बात करेंगे जिसकी वजह से हम लोग डेवलप करेंगे घर पे कैसे हम करें और प्रॉब्लम से बचें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट की, हम लोग एर्गोनॉमिक्स में सिटिंग में किस तरीके से करें कि चीजें इजीली और बहुत बेहतर हो जाए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गर्दन से लेके, बिकॉज यदि हम सिटिंग की बात करते हैं तो नेक हमारा, ये शोल्डर हो गया, हमारी कमर हो गई, कमर के साथ हमारे घुटने और हमारा पैर, ये एक मेजर वेट बियरिंग स्ट्रक्चर भी हैं। और ज्यादा देर तक यदि बैठ के मुझे काम करना है तो इनका बेहतर रहना भी बहुत जरूरी है। तो इसकी यदि हम लोग स्टार्टिंग करें तो जी, इंदु मैम बिल्कुल सही कहा आपने कि ये इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है। तो यदि गर्दन की बात करें तो देखेंगे, यदि आप साइड व्यू में, तो हमारे गर्दन में एक यहाँ पे कर्व है, दूसरा कर्व हमारे यहाँ पीठ पे है जो आप देख पा रहे हैं, और इसके अलावा ये हमारे कमर पे है। ये तीन कर्व हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं, एक व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, बहुत ही पॉपुलर हुआ था सोशल मीडिया पे एक पिक, जिसमें कि गर्दन का वेट, इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, कि यदि गर्दन का वेट 5 kg का है और यदि हमने इस गर्दन को यदि हमने 15 डिग्री का टिल्ट किया तो यही 5 किलो का वेट 12 किलो का वेट बन जाता है। और यदि इसी 15 डिग्री को हम 30 डिग्री कर देते हैं तो इसी का वेट 12 से 18 kg हो जाता है। इवन देन जो लास्ट स्टडी है वो 60 डिग्री पे है। यदि मैं मोबाइल लिया हूं और मैं बोलूं कि मैं ऐसे देखता हूं, तो ये आप देखेंगे 90% लोग इसको 60 डिग्री पे ही देखते हैं। और हाउ कैन वी कैलकुलेट अ डिग्री, बिकॉज ये जो हमारा पोर्शन है यहां से हम हेड को कैलकुलेट करते हैं। तो यदि हम 60 डिग्री का टर्न करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारे गर्दन पे वेट जो 5 किलो का था वो लगभग 22 से 28 किलो का हो जाता है। ये डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, लेकिन आप सोच सकते हैं कि यदि कहीं भी वजन उठाना हो, 1 किलो का डंबल हाथ से उठाना है तो हम ज़्यादा देर तक उठा सकते हैं, 5 किलो का उठाना है थोड़ा ज़्यादा देर उठा सकते हैं, यदि 20 किलो उठाना है तो हम कितने देर उठा सकते हैं। सेम लाइक दैट, यदि अपने गर्दन की वजन हमें काम करते वक्त ज़्यादा उठानी हो तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। यदि इसका हम एंगल सही रखते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो दो चीजें, या तो हम प्रोडक्टिविटी कम कर लें या अपने गर्दन के एंगल को सही कर लें। यहां पे दो चीजें बहुत क्लियरली मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि फिजिकल आर्गोनॉमिक्स में यदि हमें आउटपुट अच्छा है, अच्छा लाना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों प्रोस्पेक्ट पे काम करना होगा, पोस्चर पे भी और एक्सरसाइज पे भी। गुड पोस्चर से हम क्या करते हैं, पोस्चर इज एटीट्यूड। यदि मैं बात करूं तो हर आदमी का अलग अलग पोस्चर है, किसी को एक में हम नहीं समेट सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ टाइम हमें एंगल्स का और अपने पोस्चर का जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको मेंटेन करना। तो यदि पोस्चर के साथ साथ हम एक्सरसाइज को मिक्स कर दें तो अपनी इफिशियंसी हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यदि हम पोस्चर की बात करते हैं तो पोस्चर के साथ साथ यदि एक देखिए एक यदि एक नॉर्मल स्टडी ये बोलती है कि 24 साल में एक व्यक्ति सेटल्ड हो जाता है। यदि इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग में सेटल हो जाता है, मार्केटिंग के हैं मार्केटिंग में सेटल हो जाते हैं, डॉक्टर है डॉक्टरी में सेटल हो जाते हैं, और वो 60 साल तक कम से कम काम करता है व्यक्ति। यदि 60 साल तक वो व्यक्ति काम करता है तो लगभग 36 साल वो एक ही जैसा काम करता है। यदि किसी की काम फैक्ट्री में है,
यदि किसी का काम फैक्ट्री में है और वो जिस नौकरी पे जिस जगह जॉब लग गई है उसकी, वो यदि वो जॉब लग गई है तो वो उसी तरह का काम करेगा। यदि खड़ा होके मशीन पे काम करना है तो उसको खड़ा होके करना है, तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बट ये कहे कि बिल्कुल जिसको ऑफिस में 8 घंटे काम करना है वो 8 घंटे काम करे और केवल पोस्चर सही रखे तो वो ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। डेफिनेटली ज्यादा इफिशियंसी बढ़ जाएगी, लेकिन एक्सरसाइज इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यदि घर पे आप काम कर रहे हैं गर्दन के लिए, तो गर्दन का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो ये है कि आपका ये कर्व मेंटेन होना चाहिए। इसके लिए आपका सिस्टम, कंप्यूटर या लैपटॉप, जो भी आप घर पे काम कर रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। पहली बात कि इसकी जो डिस्टेंस है ये आपसे लगभग 20 से 30 इंची के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका गर्दन या तो झुकेगा या तो उठेगा, और ये आपका कर्व डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हेडक की प्रॉब्लम, नेक की प्रॉब्लम बनी रह सकती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि आपके हाइट क्या होनी चाहिए, जो कंप्यूटर का या लैपटॉप का आप जो काम कर रहे हैं उसकी हाइट क्या होनी चाहिए और टेबल की हाइट क्या होनी चाहिए। यदि घर पे मान लीजिए किसी ने बोला कि मैं सोफे पे बैठ के काम करता हूं, तो हमारी हाइट क्या होनी चाहिए। डेफिनेटली आपकी हाइट, यदि आपकी चेयर या सोफा 17 से 20 इंच के हाइट पे आप बैठे हैं, तो आपकी जो नॉर्मल टेबल की हाइट होनी चाहिए वो 28 इंच से या 26 इंच से 30 इंच के बीच में होनी चाहिए। ये भी हाइट टू हाइट डिपेंड करता है। यदि किसी की हाइट 5-6 इंच है तो उसकी अलग है, और यदि 5-8 या 10 है तो उसका अलग है। तो अप्रोक्सीमेट 26 से 30 के बीच में यदि हाइट है इंच की, तो आपका ये अच्छा माना जाएगा और आप नेक की प्रॉब्लम से काफी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग नेक्स्ट लेवल की बात करें कि नेक के अलावा शोल्डर के लिए क्या अच्छा रिकमेंडेड है, तो आपकी ये हाइट हो गई टेबल की और कंप्यूटर का जो स्क्रीन और डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस लगभग मैंने बताया 20 से 30 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। और इसके अलावा यदि हम लोग हाथ की बात करें, जैसे आप देखेंगे मैं चेयर पे बैठा हूँ, इसमें आर्मरेस्ट लगा हुआ, ये आर्मरेस्ट है और हर चेयर में आर्मरेस्ट होता है। आर्मरेस्ट का मेन रोल क्या है कि यदि ये शोल्डर की मैं बात करूँ, गर्दन का लोड तो हम लोगों ने डिस्कस किया, यदि मैं शोल्डर की बात करूँ तो शोल्डर हमारा 5 किलो का वेट एवरी टाइम वेट बियर करता है। बिकॉज जब भी हम स्टैंडिंग पोजीशन में, हैंगिंग पोजीशन में हाथ को रखते हैं तो ये पूरा वेट आता है। तो ऐसे में यदि हम अपने हाथ को चेयर का जो आर्मरेस्ट है इस पे रख के और अपने हाथ से काम करें, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इसको, लेकिन यदि आप आर्मरेस्ट पे हाथ रख के और इसको आराम से आप काम करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बिकॉज जैसे कि आप देखेंगे यदि ये हैंगिंग पोजिशन में है तो पूरे टाइम ये जो मांसपेशी है इस पे लोड आ रहा है, लेकिन यदि ये किसी चेयर पे सपोर्टेड हो गया, यदि ये आर्मरेस्ट है और इस पे रख दिया, तो इसका पूरा वजन इस पे सपोर्ट कर गया। सेकेंड, जो हम लोग का माउस पैड होता है उसको हम लोग रखे तो रहते हैं ऑफिस में, लेकिन यूज नहीं करते हैं। जबकि आपको बताऊं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज जब हम 90 डिग्री पे बेंड किए तो इसका पूरा वजन चेयर पे चला गया और चेयर पे सपोर्ट होने की वजह से ये मसल हमारी रिलैक्स हो गई। यदि अभी आप लोग एक चेक करना चाहें तो अपने दोनों हाथ को ऐसे क्रॉस करके रखिए और इस मसल को दबा के देखिए, ये जो मसल है इसको दबा के देखिए, जो बहुत सारे लोगों को यहाँ हल्का हल्का पेन होगा। और जनरली हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, जबकि रियलिटी ये है कि ये जो मसल्स है ये पेन कर रही है ओवर स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि 6-6, 7-7 घंटे जब हम काम करते हैं तो पूरे टाइम शोल्डर हमारी श्रगिंग पोजिशन पे होता है। इसके अलावा ये यदि अभी एक लॉकडाउन के बाद बहुत ही ज्यादातर केस आ रहे हैं जिसको रिस्ट में, रिस्ट की प्रॉब्लम की वजह से ये हाथों में झंझनाहट आ रहा है और हाथों में कमजोरी आ रही है, जिसको हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, और लोग इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस समझ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। रियलिटी क्या है कि ज़्यादातर जब भी हम मोबाइल यूज करते हैं तो या तो ज़्यादातर हम हाथ को नीचे की तरफ रखते हैं या तो ऊपर की तरफ रखते हैं, ऐसे काम करते हैं या ऐसे काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्पल टनल होती है वो कंप्रेस कर जाती है। तो एक और मैं यहाँ पे टिप्स दूंगा कि आप हमेशा कोशिश करें कि आप एक कीबोर्ड एक्स्ट्रा, यदि लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड और माउस के साथ साथ माउस पैड जरूर यूज करें, और यूज करते वक्त ये इंश्योर हो लें कि आपकी कलाई मुड़ी नहीं है, ये कलाई बराबर होनी चाहिए। ये भी हार्मफुल है और ये भी हार्मफुल है। दूसरी चीज यदि इस कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं, तो गर्दन में जब भी आप फोन आए तो फोन को ज्यादातर लोग ऐसे रखते हैं। अब इसमें देखिए दो कंपोनेंट है, एक तो ये भी ऊपर जा रहा है और दूसरा ये भी आ रहा है।
तो इधर की जो ज्वाइंट है ये कंप्रेस्ड हो जा रहा है और इधर का ओवर स्ट्रेन हो रहा है और धीरे धीरे पोस्चरल प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है। यदि मैं पोस्चरल प्रॉब्लम को एक बीमारी की तरह बनने में बताऊं तो सबसे पहले क्या होता है, फॉल्टी पोस्चर होता है। एक यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यदि हम जनरली ऐसे बात करने के आदी हो गए और बात कर रहे हैं, देन ये हमारा एक पोस्चर हुआ, और ये पोस्चर ज्यादा देर तक यदि इसी तरह मेंटेन रहा और इस तरह बेंड रहा, देन क्या प्रॉब्लम क्या आती है, जो कॉमन प्रॉब्लम आई कि ये एरिया कंप्रेस्ड हो गया और ये एरिया ओवर स्ट्रेच हो गया। यदि इसी को जनरली राइट हैंड से मैं फोन पिक करता हूँ, वो मेरी आदत है, बार बार मैं यदि ये करता हूँ तो क्या होगा, कुछ दिन बाद इधर की मसल कम हो जाएगी, टाइट हो जाएगी और ये ओवर स्ट्रेन हो जाएगी, और एक फॉल्टी पोस्चर के बाद पोस्चरल सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो आगे चल के एक रियल डिजीज के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यदि छोटी सी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बीमारियों से हमें बहुत बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। सॉरी, तो अब हम लोग बात करते हैं कमर की। कमर पे यदि मैं आऊं तो आप लोगों से एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि जैसे मैं बता रहा था आगे हम झुक के काम कर रहे हैं तो हमेशा आदमी को लगता है कि पीठ पे स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन ये सोचिए ना कि यदि आगे झुके हुए हैं और यहाँ पे हमारा लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पेंक्रियाज है, क्या ये भी कंप्रेस हो रहा है? और ये कंप्रेस हो रहा है, यदि 8 घंटे की सिटिंग आप ले रहे हैं तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको हम कैसे मिनिमाइज, इसको भी हम ऑफिस में बैठे बैठे, और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, जो यंगस्टर हमारे यहाँ आते हैं उनसे हम लोग बात करते हैं कि नहीं थोड़ा एक्सरसाइज आप कर लीजिए, तो एवरीवन टोल्ड मी कि डॉक्टर साहब वो तो टाइम ही नहीं मिलता, जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है, बहुत हेक्टिक शेड्यूलिंग है, हम लोग कैसे मैनेज करें? तो आज अभी लास्ट के 20 मिनट्स में, 15 मिनट में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि आप ऑफिस में बैठे बैठे कैसे चेयर पे एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट कर सकते। तो कमर की बात करें तो ये देखिए, यदि हम आगे झुकते हैं तो हमारा स्टमक कंप्रेस हो रहा है, ये सब मसल्स आगे भी हैं, विसरल ऑर्गन है जो कंप्रेस हो रहा है। इसके साथ ही साथ हमारे बैक की मसल जो वर्टिब्रा है और मसल्स हैं ये भी कंप्रेस हो रही है, और सबसे बुरी बात क्या है कि यदि हम बैठ के खड़ा होते हैं, खड़ा होने का पोजीशन यदि मेरा अच्छा नहीं है, ज़्यादा देर से बैठे बैठे हमारी मसल स्टिफ है और ज्वाइंट में स्टिफनेस है, और सडन मैं मूवमेंट करता हूँ तो हमारे बैक पेन होने का प्रोन चांसेस है, और हमारे यहाँ स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या और भी मसल स्प्रेन होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें हमेशा ध्यान दें कि चेयर पे यदि हम बैठे हुए हैं, जैसे आप चेयर देखेंगे तो ये इसको हम लोग बैक रेस्ट बोलते हैं। जनरली आप देखेंगे इस चीज को, ये बैकरेस्ट है, और इसकी डिजाइन पे हमेशा ध्यान रखना है। जनरली हम लोगों को बोलते हैं कि कैसे हमें बैठना चाहिए, तो लोग ऊपर वाले एरिया को तो रेस्ट कर लेते हैं, इसको रेस्ट कर लेते हैं, बट जो लोअर बैक है इसको रेस्ट नहीं करते। तो यदि आप सोफे पे बैठ के काम करते हैं, आप बेड पे बैठ के काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, मैं कहूँ कि आप 8 घंटे चेयर पे बैठ के काम करिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर का माहौल ही वैसा है। तो आप सोफे पे इस हिसाब से अपने अपने बैक को एडजस्ट करें कि ये जो लोअर बैक है ये पूरा पीछे की तरफ टच हो, और यहाँ भी हल्का सा सपोर्ट हो, जिससे कि ओवरऑल आपका बैक 90 डिग्री पे रहे, और आपके जो अपर अपर थोरेक्स का वेट है ये इजीली चेयर पे ग्राउंड हो जाए, या यदि बेड पे बैठे हैं तो पिलो लगाने की वजह से बेड पे चला जाए, न कि ज़्यादातर लोग ऊपर तो सपोर्ट ले लेते हैं लेकिन लोअर बैक पे सपोर्ट नहीं लेते हैं, तो वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और यदि आप घर में बेड पे बैठ के काम कर रहे हैं तो बैक रेस्ट तो ज़रूरी है ही, नेक को स्ट्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। अपने घुटने के नीचे यदि आप 2 पिलो लगा लेते हैं अपने घुटने के नीचे, और आप आराम से बैक पे ऐसे बैठे हैं और घुटने के नीचे फैला के 2 पिलो लगा लीजिए, और यहाँ पे 1 पिलो पे लैपटॉप रख के काम करिए, आपका आर्गोनॉमिक्स बेटर हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि बेड पे ले बैठ के आप काम नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट एंगल को ध्यान रखना। अब कितनी पिलो लग रही है, यू नो वेरी वेल कि किस तरह का डिज़ाइन है बेड का। सोफे की बात करूं तो सोफे की यदि हाइट नीचे है तो सोफे की हाइट हम बढ़ा सकते हैं, और उस पर भी हम जैसे आर्म को मैंने बोला 90 डिग्री एल्बो बेंड रखना है, तो आप बेंड रख सकते हैं,
अपने से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि बकेट है, बकेट के ऊपर आप सपोर्ट रख के अपने लैपटॉप को रख के काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी चीजें घर में हैं जिसको रख के आप काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम बैठते हैं तो हमारे पैर की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए और उसका एंगल क्या होना चाहिए। चेयर का हमेशा इस हिसाब से रखिए कि आपका हिप आपके नी से स्लाइटली ऊपर रहे, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए, और हमेशा पैरों के नीचे फुटरेस्ट ज़रूर रखें। बिकॉज महिलाओं में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं डीबीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और काफ मसल का पेन। तो जो काफ मसल्स हमारी हैं उसमें ज़्यादातर पेन होने लगता है, तो हमारे पैरों के नीचे फुटरेस्ट रखना ज़रूरी है और नी को भी 90 डिग्री पर रखना है। और जो इसमें मेन काम क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि हमेशा 40 मिनट बाद अपना पोस्चर बदलने की कोशिश करना है। एक पोजीशन में यदि आप बैठे हुए हैं तो 40 मिनट बाद थोड़ा सा खड़ा हो लें और 10 कदम 20 कदम चलें, फिर आके बैठ जाएं। आंखों के लिए सबसे बेस्ट क्या है, यदि मोबाइल और लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं तो उसमें 20-20-20 का रूल चलता है कि 20 मिनट आपने काम किया तो 20 सेकेंड अपनी आंखों को आराम देना है, और लगभग 20 फिट की दूरी पे किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेकेंड के लिए देखना है, देन अगेन यू हैव टू गो विथ योर वर्क। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, जैसे अभी फ़ोन के लिए हम बात कर रहे थे कि भाई जिसके कॉल्स आनी है वो तो आनी ही है, हम कैसे बात करें। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि काम भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं और लिखना भी है ऐसे कंडीशन में, तो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे में आप हेडसेट का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस को करके हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि ज़्यादातर दिक्कतें जो घर में आई है, लोग आके बताए कि डॉक्टर लॉकडाउन में तो हमने दो दो तीन तीन पिक्चर एक साथ देखी, आपको बताऊं सोफे पे लेट के लोगों ने देखी है, ऐसे में रॉन्ग पोस्चर होने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ी है। आपको लेटना है, यदि बैठ के आप लेट रहे हैं तो डायरेक्ट सीधा ना लेटें और सीधा ना उठ के बैठें, हमेशा पहले करवट लें, एल्बो को सपोर्ट पे रखें और सपोर्ट पे रख के आराम से लेटे, करवट लेके लेटे, और उठते वक्त भी हमेशा करवट लेके ही उठें। और जब आप लेट जाते हैं उसके बाद चाहे तो आप सीधा लेटिए, करवट लेटिए या पेट के बल लेटिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ड्यूरिंग सिटिंग टू लेइंग और लेइंग टू सिटिंग, इन दोनों पोस्चर में हमेशा साइड लेइंग से लेटिए जिसमें कि एल्बो का सपोर्ट आपको मिल जाए। रही बात की पिलो कैसी लगाएं, बिकॉज कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि उस पे बेड पे यदि काम कर रहे हैं तो गर्दन पीछे के तरफ करके आराम से पेट के बल लेट गए और ऐसे लेके कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है गर्दन झुक तो रही नहीं है, तो हमारा तो अच्छा है। यदि इस गर्दन को आगे झुकाने से नुकसान है तो इसको ओवर एक्सेसिव पीछे ले जाने से भी उतना ही नुकसान है। तो हमेशा कोशिश करें कि प्रॉपर वे में बैठ के काम करें, ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में ना बैठें और अपने आप को काफ़ी इफ़िशिएंट बनाएं। और सेकेंडरी, यदि जनरली लोगों की एक क्वेरी होती है कि हम लोग पिलो लगाएं कि ना लगाएं, यदि ये देखिए कर्व है तो पिलो लगाना बहुत ही मस्त है। इसको मेजर कैसे करें, दीवार के पास जाएं और दीवार पे आप पास में खड़े हो जाइए सीधा ऐसे, और देन इसके बीच की दूरी मेजर कर लीजिए, जितनी डिस्टेंस आती है उतना डिस्टेंस का पिलो आप जरूर यूज करें, और पिलो यहाँ न लगा के पिलो यहाँ पे लगाएं, इससे काफ़ी आपको बेहतर फील होगा, हेडक नहीं होगा और नेक पेन नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं ऑफिस चेयर एक्सरसाइज के पास। ऑफिस चेयर एक्सरसाइज में हम लोग सेम जिस पे टर्न पे अभी डिस्कस किए कि नेक में प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें क्या दिक्कत हो रही थी, उसको कैसे मिनिमाइज करें, सेम हम लोग अभी उसी हिसाब से एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, और ऐसा ऐसा एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिससे कि आप ऑफिस में चेयर पे बैठे बैठे कर सकें। तो आप लोग रेडी हैं मेरे साथ एक्सरसाइज करने के लिए? आई होप सुबह से काम करते करते 5:27 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात की हम लोगों की चिन टक की जो प्रॉब्लम है, गर्दन में ओवर स्ट्रेस है या फिर हेडक है, इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चिन टक करेंगे। चिन टक एक्सरसाइज में क्या है, जनरली आप साइड से देखेंगे ये नॉर्मल नेक है, नॉर्मल से पीछे की तरफ जाएंगे, नॉर्मल से जब पीछे की तरफ जाएंगे तो ये जो छोटी मांसपेशियां हैं जो ऐसे गर्दन करने की वजह से
टाइट हो जाती हैं, ये काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगी और आपको जो हेडक हो रहा है उसमें काफ़ी आराम मिल जाएगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि स्ट्रेच और ओवर स्ट्रेच दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप स्ट्रेच करेंगे ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो ये नॉर्मल से और फिर नॉर्मल आए, इसको आगे नहीं ले जाना है, नॉर्मल से पीछे देन नॉर्मल। सेकेंड एक्सरसाइज की बात करें तो हम लोग इस शोल्डर पे, जैसे आपने देखा कि यदि दूरी ज़्यादा थी तो लोड इस पे ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने कहा कि टेबल और चेयर के बीच में यदि एल्बो को हम 90 डिग्री बेंड कर देते हैं, इसको 90 डिग्री, तो हमारा लैपटॉप या हमारा सिस्टम बहुत पास में होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लोड नहीं आएगा। फिर भी यदि ज़्यादा काम करते करते इस पे स्ट्रेन आ रहा है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें जनरली क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन सेट कर दे रहा हूँ, यस, इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें जनरली इस शोल्डर को श्रग करना है और इसको टेस्ट करना है कि ये हमारा शोल्डर कान तक जा पा रहा है कि नहीं। नीचे लाए, फिर इसको ऊपर ले गए, पूरा ऊपर और पूरा नीचे। तो चिन टक जो एक्सरसाइज है इसको भी 10 टाइम्स करना है, ये जो एक्सरसाइज है इसको भी 10 टाइम्स करना है। और एक्सरसाइज करते वक्त एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि क्या डिफरेंस है एक्सरसाइज और वर्क में। वर्क का कोई नियमित टाइम नहीं होता, उसके रिपीटेशन का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, जबकि एक्सरसाइज एक रिदमिक होती है और एक बोलते हैं ना टाइम टेकन होती है, कि यदि मैंने इसको एक बार उठाया और नीचे लाया तो 6 सेकेंड लगा, तो यदि 10 बार करते हैं तो इसमें 60 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए। तो एक तो ये हो गई चिन टक के बाद, दूसरी शोल्डर सगिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि ये हमारी मांसपेशी है ये पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी, इसको 10 टाइम्स करना है। नेक्स्ट, ये बहुत ही नोन एक्सरसाइज है, आप लोगों को पता होगी शोल्डर के मोबिलिटी को, बट इसको भी बहुत लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसे ऐसे जल्दी से करके काम तमाम नहीं, इसको आराम से पूरा धीरे से आगे ऊपर ले गए, पूरा ऊपर ले गए, पूरा पीछे ले गए और पूरा नीचे लेके आए, और स्लोली करना है। जितना स्लो करेंगे मसल उतनी ज़्यादा रिलैक्स होगी, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी बेहतर होगी, और जितना जल्दी जल्दी करेंगे मोमेंट कम होगा और रिपीटेटिव इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसके लिए किसी बेड की ज़रूरत है क्या? नहीं है, इसको आराम से हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो ये हमारी स्केपुलर मसल है, जो कि पूरे टाइम ऐसे काम करने की वजह से ये पूरा मोमेंट में रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथ को ऐसे पकड़ना है और स्केपुला से खींचना है, ये दिख तो रही है यहाँ पे, बट ये खिंचाव हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो इसको पीछे की तरफ पुल करना है, 5 सेकेंड तक होल्ड करनी है, देन रिलैक्स करना है, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग कंप्यूटर पे ज्यादा देर तक काम करते हैं। ये तीसरी एक्सरसाइज हो गई। इसके अलावा एक है कि इसी को, जैसे शोल्डर को हमने गोल किया था, इसी तरह इस स्केपुला को गोल करना है, कि पूरा ऊपर, पूरा पीछे, पूरा नीचे और पूरा आगे। तो ये पूरा क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स इसको हमें मूव करना है। इससे बेनिफिट क्या है, एक तो हमारे ये स्केपुला की जितनी मसल है जो कि ओवर स्ट्रेन है, रिपीटेटिव इंजरी के चांसेस है, उससे हम बाहर निकल आते हैं और चिन टक से हमारा ऊपर हो गया। लेकिन केवल ये दोनों एक्सरसाइज जो है ना, यदि मैं बोलूँ तो एक्सरसाइज के भी टाइप्स हैं, मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज अलग है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज अलग है, जिसका टारगेट ही अलग है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज रिलैक्सेशन के लिए होता है, मोबिलाइजेशन मोबिलिटी के लिए होती है। इसी तरह कुछ जगह हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, जैसे कि नेक के विषय में मैंने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा वजन लेके इसको हमेशा मूव करना पड़ता है। तो यदि पूरे टाइम इसको मूव करना पड़ता है तो हमें इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है सर्वाइकल आइसोमेट्रिक, जिसमें कि मूवमेंट तो नहीं होता है बस, बट मसल पे हम स्ट्रेंथन काम करते हैं, जिससे मांसपेशी मजबूत हो जाती है और ज़्यादा देर तक काम करने की कैपेबिलिटी इसमें होती है। तो जैसे आप देखेंगे ये सर्वाइकल आइसोमेट्रिक है, इसमें हमने गर्दन पे कोई मूवमेंट नहीं किया बट हमारी नेक की मसल सब एक्टिवेट हो गई। तो सामने से हाथ से ललाट को, ललाट से हाथ को कंप्रेस करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन छोड़ देंगे, सेम पीछे जाएंगे, कंप्रेस करेंगे। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये नहीं, गर्दन हमेशा स्ट्रेट रहेगी, हाथ का प्रेशर गर्दन को, गर्दन का प्रेशर हाथ को,
कंप्रेस प्रेस देना है इसको, दोनों को आपस में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होगा और ये 5 सेकेंड तक होल्ड करना है, देन ग्रेजुअली धीरे से छोड़ना है, सेम अगेन और अपोजिट साइड। ये चारों तरफ करने के बाद हमारी ये एक्सरसाइज एक काउंट होगी। तो इसको 5 से 10 बार हमें कर लेने से हमारी जो मसल पे ओवर स्ट्रेस पड़ रहा था ये काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी, और इसके लिए कहीं बेड की ज़रूरत नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं है, और इसको इजीली हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ कमर के लिए, बिकॉज इतनी एक्सरसाइज यदि हम करते हैं और इसको करने 3 मिनट या 4 मिनट लगता है, इसमें हमारी पूरा नेक और ये सब एरिया हमारा फ्री हो जाता है। अब हम लोग बात करें कि बैठे बैठे ब्रीदिंग पैटर्न की कैसे करें, बिकॉज जो मैं अभी विसरल ऑर्गन की बात कर रहा था कि नीचे ऑर्गन्स हैं जो कंप्रेस्ड हैं और इस कंप्रेशन को हम कैसे रिलीज करें, तो जो डायफ्राम हमारा होता है जो ऊपर का जो हमारा थोरेक्स है इसको अलग रखता है और एब्डोमिनल कैविटी को अलग रखता है, तो दोनों कैविटी के बीच में डायफ्राम है, तो यदि डायफ्राम का हम मूवमेंट अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन पे भी और विसरल ऑर्गन पे भी मूवमेंट अच्छा होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, डीप ब्रीदिंग्स करनी है, और ब्रीदिंग ऐसे करनी है, जनरली मैं अभी आपसे क्वेश्चनेयर तो नहीं कर सकता, इंटरेक्टिव बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं हो पाएंगे आपस में, बिकॉज वन वे चल रहा है काफ़ी हद तक, या यदि आपका कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। यदि मैं बोलूं कि ब्रीदिंग करने में ज़्यादातर लोग गलत ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं और ज़्यादातर अपने चेस्ट को फैलाते हैं, उनको लगता है कि लंग्स से सांस लेता है तो लंग्स ही एक्सपेंशन होना चाहिए, बट यदि मैं मसल की बात करूं तो हमारा डायफ्राम जो है ये मेन मसल है जो हमें ब्रीदिंग के लिए हेल्प करता है, तो हमें ब्रीदिंग ऐसा करना है जिसमें कि पेट का मूवमेंट दिखे, यदि डायफ्राम अपर आए तो ये बड़ा हो, नीचे जाए तो पेट, तो हमेशा ये सांस जब लें और छोड़ें, डीप ब्रीदिंग करें और छोड़ें, तो हमेशा ध्यान रखें कि पेट अंदर और बाहर हो रहा है कि नहीं। यदि ये सांस ले रहे हैं तो ये एक अच्छा ब्रीदिंग माना जाता है, बिकॉज इस ब्रीदिंग में हमारा ऊपर और हमारा नीचे दोनों एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर हमारी थोरेक्स की कैविटी दोनों में मूवमेंट होता है और आगे की मोबिलिटी हमारी बनी रहती है और कई सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ स्पाइन की, तो स्पाइन पे रोटेशन का काम करना है हमको, जिसमें दोनों हाथ को एक दूसरे के तरफ लॉक कर देना है और चेयर पे लॉक करके स्पाइन को हल्का हल्का बिना झुके, नॉर्मली हम सीधा बैठे हैं और मैक्सिमम विदाउट जर्की मूवमेंट नॉर्मली जितना आप जा सकते हैं उतना रोटेट करिए, ओवर स्ट्रेस न दें। इस एक्सरसाइज को करने के लिए किसी बेड की ज़रूरत नहीं है, और इससे यदि हम बैठे हैं तो हमारी मांसपेशियों में और हमारे ज्वाइंट में अच्छी मोबिलिटी होती है, 10 टाइम इस साइड हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की यदि मैं बात करूं तो यदि कमर की हम बात करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ एक कर्व है, यहाँ पे एक कर्व है, ऐसे ही एक कर्व यहाँ पे है, तो यहाँ पे अपने हाथ को रख ले दोनों साइड से, यहाँ पे ऐसे रख ले और चेयर पे आराम से बैठने के बाद आप हल्का सा यहाँ से लोअर बैक से आगे हों और पीछे हों, जिससे कि हमारी जो लोअर बैक काफ़ी स्टिफ पड़ी हुई थी, बहुत देर से इस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, हाथ का पैर का मूवमेंट हो रहा था लेकिन बैक हमारे 90 डिग्री पे सपोर्टेड था, तो जो सपोर्टेड है इसको हम हल्का सा मोबिलिटी कर सकते हैं। और आई होप कि हम लोग के काफ़ी हद तक 35-37 मिनट हो गया, तो एक बार इसको भी हम लोग करके टेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक यदि बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो 10 टाइम्स हम यहीं पर खड़ा होंगे और 10 टाइम्स बैठेंगे। इसके लिए किसी बेड की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, टाइम एनफ है, 10 टाइम्स हम बैठेंगे और 10 टाइम्स उठेंगे, ये दोनों चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें, जो बात कर रहा था कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए, कि कार्पल टनल सिंड्रोम जो डेवलप हो जाता है इसको ये ना हो, बिकॉज ज़्यादा देर तक हम रिस्ट को मोड़े रहते हैं ना, तो ये फ्लेक्शन वाला जो टेंडन है इट्स गोइंग टू कंप्रेस्ड, ये ज़्यादातर कंप्रेस्ड हो जाता है, तो हमें क्या करना है, मीडियन नर्व की स्ट्रेचिंग करनी है, यहाँ नॉर्मल रखना है हाथ को और ये हाथ यहाँ से खुले नहीं, ये चिपका रहे और नीचे की तरफ वेस्ट साइड की तरफ ले जाना,
जब ले जाएंगे इसको खोलेंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, इसको चिपकाएं और जब हल्का सा स्ट्रेच आए तो 15 सेकेंड के लिए होल्ड करिए और बैक लेके आइए। और इसको केवल 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स एनफ फॉर यू। इसको हम लोग प्रे स्ट्रेच बोलते हैं, इसको प्रे के पोजिशन में आके स्ट्रेच करना है जिससे कि हमारी इस एरिए की स्ट्रेचिंग होगी, ब्लड सप्लाई बेटर होगा और कई सारी प्रॉब्लम से हम लोग बच जाएंगे। अब लोअर बैक तक तो हम लोग आ गए, अब हम लोग आते हैं पैरों के लिए। बिकॉज ज़्यादा देर तक बैठे बैठे जो हमारी थाई की बैक की मसल है जिसको हम लोग हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, एक बहुत अच्छा चेंजेस आया है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, तो अब नाम से भी काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई कर लेते हैं लोग कि ये हैमस्ट्रिंग है, ये हैम्स है, ये क्वाड्रिसेप है, ये काफ है। तो यदि मैं हैम्स की बात करूँ, आई होप मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखे, तो ये जो हमारी हैम्स है ये पूरे टाइम बैठने पे कंप्रेस रहती है, चेयर पे पूरे टाइम ये दबी रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए नॉर्मली यहीं बैठे हैं और अपने बैक को जैसे मैं बोला कि बैक रेस्ट पे रखना है और इस पैर को हल्का सा यहाँ से थाई से ऊपर उठाना है और पैर को सीधा करना है, ठीक है। इसको ऊपर किया और फिर धीरे से इसको नीचे लाया, इसको उठाया 15 सेकेंड के लिए स्ट्रेच किया और देन डाउन किया। इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा, ये पैर जो है पंजा थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये पंजा भी ये ऊपर की तरफ खींचना है, पहले पंजे को ऊपर खींचेंगे और इस घुटने से इसको खींचेंगे, आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच यहाँ पे फील होगा। जब ये स्ट्रेच फील होने लगे, जब ये स्ट्रेचिंग आने लगे तो होल्ड करना, ओवर स्ट्रेच नहीं करना, अनदर वे ये एक इंजरी का रूप ले लेगा। तो इसको नॉर्मली आप खींचे और 15 सेकेंड तक होल्ड करें और 3 ही बार। फिर जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारी काफ मसल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप थोड़ा सा यदि सोचेंगे तो हार्ट हमारा यहाँ पे है, यहाँ से काफ मसल पे जाना तो बहुत ही आसान है बट रिटर्निंग आना बहुत टफ है। तो ज़्यादातर डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम या डीवीटी के अलावा और भी कई मस्कुलर पेन और पैरों में सूजन की बहुत ही कॉमन कंप्लेंट रहती है लोगों की जिनकी लॉन्ग सिटिंग जॉब प्रोफाइल है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट यदि मैं बोलूं तो आपका पैर थोड़ा सा आप जब इधर, हाँ दोनों पैर ऐसे रखेंगे इसको ऊपर और नीचे। इसके लिए हमें कुछ करना है क्या, कुछ नहीं, बैठे बैठे हम लोग इसको 30 बार करना है, 30 टाइम्स अप एंड 30 टाइम्स डाउन। देन आप देखेंगे तो हेड से लेके टो तक के लिए बहुत सारे एक इजीली एक्सरसाइज जो आप ऑफिस में लंच के दौरान या बीच में बैठ के आराम से कर सकते हैं और इससे कई सारी होने वाली प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा यदि आप इसको रेगुलर करते हैं। क्योंकि देखिए गुड पोस्चर से हम अपनी इफिशियंसी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे मैं कहा कि इसकी भी अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग लोगों के लिए है जिसमें कि हम लोग काम करते हैं, तो हमेशा अलग अलग पोस्चर के लिए अलग अलग एक्सरसाइज भी है। तो ये जो सेट ऑफ एक्सरसाइज 12 हम लोगों ने देखा, ये 12 एक्सरसाइज यदि हम अपने ऑफिस आवर में 2 बार कर लेते हैं, एक बार लंच से पहले और एक बार लंच के बाद, तो हमें काफ़ी हद तक जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और ऐसी कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं हमें बहुत बड़ा जगह चाहिए या बेड चाहिए या मैट चाहिए या क्लॉथ चेंज करने की प्रॉब्लम आए, बहुत जगह इस तरह की दिक्कतें आती हैं लेकिन इससे हम लोग आराम से बच सकते हैं। और मोबाइल पे काम करते वक्त, बिकॉज इस समय तो देखिए टेक्नोलॉजी ऐसी फैली हुई है कि टेक्नोलॉजी की वजह से पूरे टाइम हम लोग बच्चे, पहले तो बच्चे बचे हुए थे, अब तो जो स्टडी हो रही है, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, उससे बच्चों पे भी बहुत बड़ा स्ट्रेन है। और एक आपको और अच्छी सी बात बताऊँ जो हम लोग क्लिनिक में लॉकडाउन के बाद देख रहे हैं कि जो लोग घर पे लॉकडाउन में थे, और वॉकिंग तो पहले ही पार्क बंद होने से काफ़ी हद तक बंद हो गई थी, जो गली मोहल्ले में वॉक भी कर रहे थे वो भी जब से ये एयरबॉर्न का नाम सुने बाहर निकलना बंद कर दिए, उसकी वजह से एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई। एक तो रॉन्ग पोस्चर बढ़ गया और एक्टिविटी बहुत कम हो जाने की वजह से, इसकी दिक्कत होने की वजह से बहुत लोगों में जो 25 से 40 या 42 के बीच में हैं उनमें प्री डायबिटिक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप लोग फॉलो करें और नेक्स्ट जब भी होगा तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोग फॉलो करेंगे। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द, कुछ देर भी खड़े रहने में दर्द होता है कोई एक्सरसाइज, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपने पूछा है। जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो आप